क्या आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है जिसे आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया? या कभी आपको अपने आप पे, अपने आसपास के माहौल पे बहुत गुस्सा आने लगा है? क्या कुछ ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पर हंसते हुए चेहरों को देखकर खुद को बड़ा नेगेटिव फील करते हैं? और हाँ, क्या आपको अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको ज़रूरत है अपने जीवन में एक ब्रेक लेने की। ये ब्रेक आपको अपनी नौकरी या अपने आसपास के लोगों से नहीं, बल्कि ये ब्रेक आपको अपने आप से लेना है और करना है अपने साथ संवाद। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका शर्मा और मेरे साथ आज दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस और आत्महत्या जैसे गंभीर विषयों पर अपनी ही जंग छेड़े हुए हैं। पहले हैं दयाशंकर मिश्रा जी, जो न्यूज़ 18 हिंदी डिजिटल के एडिटर हैं और पिछले 3 सालों से जीवन संवाद नाम का एक कॉलम चलाते हैं। ये कॉलम आत्महत्या, डिप्रेशन जैसे विषयों पर बेहद गंभीर बात करता है। और दूसरे हैं विवेक शर्मा जी, जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और गॉड इज़ नॉट फेयर एक नाम से एक पॉडकास्ट चलाते हैं, जिसके 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। इसके साथ ही डिवाइन रिलेशन नाम का एक मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, जो बेहद ही अलग है और मैं चाहती हूँ कि हम उन्हीं के मुँह से सुने कि ये क्यों अलग है। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आऊँगी। आपकी आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वो शख्स भी था जिसने कभी ज़िंदगी में आत्महत्या जैसा विचार भी जिसके दिमाग में आया। क्या है वो कहानी, या क्या ऐसा आपके साथ हुआ कि आप खुद आत्महत्या जैसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगे थे? बहुत संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कानपुर जैसे एक स्मॉल टाउन से पला बड़ा हूँ एंड मैं बॉम्बे में करीब करीब 12 साल से हूँ। एंड जब भी मैं बॉम्बे गया तो आई वॉज़ इन कॉरपोरेट, एंड कॉरपोरेट में रहकर मतलब एक छोटे शहर का लड़का, यू नो, उसके सपने क्या होते हैं कि टाइम पे शादी हो जाए, अच्छा जीवन साथी हो, घर हो बॉम्बे जैसे शहर में, गाड़ी हो, बच्चा हो, दैट्स ऑल। आई मीन सेटल लाइफ की हम यही कल्पना करते हैं। तो आई वॉज वेल सेटल्ड, मतलब मैं बॉम्बे जैसे घर में, बॉम्बे जैसे शहर में, यू नो, शादीशुदा था, मेरा एक बेटा था, एक वाइफ जो कि बहुत गुणी है और बहुत प्यार करने वाली, मतलब मेरे जीवन का प्यार, मतलब जिसे कहें एक परफेक्ट परिवार। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एक परफेक्ट परिवार है। एंड देन वन डे मैं उस बच्चे को सुबह स्कूल के लिए बस में ड्रॉप करने गया एंड शाम को, यू नो, इट्स सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस एंड देन वी लॉस्ट हिम इन दैट इवनिंग। एंड ये जो पल था, मतलब उस एक शाम में मेरी और मेरी वाइफ की पूरी ज़िंदगी बदल गई। जो चीज़ें कल तक मुझे एस्पिरेशन लगती थी, यू नो, एक जुनून था कि मुझे ये पाना है या ये करना है, वो सब ख़त्म हो गया, एकदम मीनिंगलेस हो गया। मतलब उन चीज़ों का आज के लाइफ में या उस टाइम उस इंसिडेंस के बाद कुछ मतलब ही नहीं रह गया। एंड सब्सिक्वेंटली क्योंकि मैंने सी ऑल सेट एंड डन आई हैड बीन रेज्ड इन, यू नो, ऑल सेट एंड डन मैं मतलब शिक्षित था। आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकटा एंड देन मैं कॉरपोरेट में काम करता था, हेल्थ केयर में काम करता था। उन सब चीज़ों के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेल हो रहा हूँ अपनी और अपने वाइफ की जीवन को वापस पटरी पे लाने में। एंड निराशा की हद तब हो गई जब एक दिन मैंने सोचा कि आज ये सिलसिला ख़त्म करते हैं। एंड आई डिड ऑल द प्रेपरेशंस, मतलब जो भी सुसाइड के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी वो लाए और घर जाने के बाद, यू नो, आई प्लान्ड एवरीथिंग, बट देन कुछ हुआ, उसकी वजह से फिर ये विचार जो है मैंने ड्रॉप किया। एंड वो जो मोमेंट था उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। और मैं ये कह सकता हूँ कि सब कुछ बदल गया। ना तो वो एक बॉलीवुड का गाना है ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। सो ना तो मैं रहा, ना तो श्वेता रही, श्वेता मेरी वाइफ है जी, हम बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए थे। उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक ख्याल आया मुझे कि, यू नो, आज मैं ज़िंदा क्यों हूँ। मैं ज़िंदा इसलिए हूँ क्योंकि ये एक रीज़न है मेरे सामने। बिल्कुल, मेरे पास एक, ठीक है आज मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरे पास एक जीने की वजह है मेरी वाइफ, उनके पास एक जीने की वजह है मी जी। एंड फिर आज अगर हम जीवित हैं तो इसलिए क्योंकि हमारे पास साथी है, हमारे पास कहने के लिए कोई है, रोने के लिए एक कंधा है। मुस्कान तो कोसों दूर थी लेकिन एक रोने के लिए एक कंधा था।
फिर मुझे एक ख्याल आया कि यू नो ऐसे लोगों का, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने कैंसर कंपनीज में काम करा हुआ है, तो मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है कैंसर पीड़ित लोगों से और यू नो क्रिटिकल डिसीज़ के पेशेंट से. सो मुझे लगा यार इन लोगों की लाइफ में क्या होता है, क्योंकि इनकी शादियाँ सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक लेबल लगा है कि ये कैंसर सर्वाइवर है, या इसका ट्रांसप्लांट हुआ है, या इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या इसको कोई बीमारी है, या इसको डायबिटीज़ है. सो फिर मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए. एंड फिर यू नो एक एक करके फिर ज़िंदगी ने बहुत सारे ओमेंस जिनको बोलते हैं वो निशानियाँ हमें दी कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पे शुरुआत करो. फिर वहाँ से ये थॉट आया है. फिर सब्सिक्वेंटली ये डिवाइन रिलेशंस की स्थापना हमने करी, जिसमें आज करीब करीब 500 से ज़्यादा पेशेंट्स, मैं पेशेंट एक्चुअली बोलना नहीं चाहता हूँ, 500 से ज़्यादा प्रेमी जोड़े हम कह दें जी. सो वो लोग हैं एंड आउट ऑफ देम यू नो देयर हैड बीन पीपल जिन्होंने आपस में बात करी है और दे आर इनटू एडवांस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स. विवेक जी, डिवाइन रिलेशन के बारे में हम और जानेंगे क्योंकि ये सुनने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है. लेकिन हमारे साथ दयाशंकर मिश्रा जी हैं और मैं, क्योंकि आपको पर्सनली इस विषय पे बहुत आपने लिखा है और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपके कॉलम्स की, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे पढ़े हैं वो कॉलम. लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मीडिया जो आज बहुत हैपनिंग है और राजनीति, ये इंटरटेनमेंट, क्रिकेट, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पे लोग लिखते हैं, बात करते हैं, जो चलते विषय हैं. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा में कहें कि TRP का खेल है सारा. तो बहुत विषय हैं जिन पे लिखा जा सकता था, लेकिन आपने एक इस संजीदा विषय को चुना और ख़ासतौर पर एक ऐसा विषय जो अछूता था, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लोग बात नहीं करना चाहते. आपने विषय को एक कॉलम के तौर पे कैसे चुना और 3 साल तक लंबा सफ़र है सर. बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हमारे आसपास को महसूस करने से होती है. मेरे जीवन में, जैसा विवेक जी ने बताया, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग आए जो बाहर से बहुत खुश थे, जिन्हें देख के हमें लगता था अरे क्या इनके जैसा हमारा जीवन हो सकता है. बहुत समृद्ध परिवारों से, जिनके पास भौतिक रूप से सब कुछ बहुत चमत्कृत करने वाला था, सब कुछ ऐसा था कि अरे इसके जैसा जीवन होना चाहिए, इसके जैसा सुख होना चाहिए. एक दिन खबर आती है कि भाई उनमें से एक पहले किसी एक व्यक्ति ने यह तय किया कि उसका जीवन जीने योग्य नहीं है. उसके बाद कुछ वर्षों बाद दूसरे किसी व्यक्ति ने यह निर्णय ले लिया. तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और इस पर बात करने की ज़रूरत है. ये जैसा कि आपने बात की कि जब हमने ये तय किया कि हम इस विषय पर बात करेंगे, तो पहले मेरे बहुत करीबी दोस्तों का भी ये मानना था कि इस विषय पर कौन सुनेगा, कौन बात करेगा, कौन पढ़ेगा. लेकिन मुझे लगा कि अगर एक भी व्यक्ति पढ़ लेता है, अगर एक व्यक्ति के मन में भी ये ख्याल आ जाता है कि चलो थोड़ा जीते हैं, चलो थोड़ा जीने का नज़रिया बदलते हैं, चलो मुश्किल नहीं है जीना, जीना जीना बहुत आसान है, बशर्ते हम ये समझ लें कि हमारा उद्देश्य क्या है. और बस यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और अब तक चल रहा है. आप दोनों ने ही अपनी अपनी कहानी बताई कि कैसे आपने खुद आत्महत्या को अनुभव किया, उस विचार को, और फिर आप एक नई डगर पे चले और आपने कैसे उसे देखा और आप उससे प्रभावित हुए. आप दोनों ही आत्महत्या जैसे विषय पर बहुत नज़दीक से जुड़े हैं. आपको क्या लगता है आज के समाज में, ख़ासतौर पे यूथ, जो हमारा भविष्य है वो इस ओर बढ़ रहा है. मैं आप दोनों से इस विषय पर जानना चाहूँगी, आत्महत्या के कारण यूथ में आपको क्या लगते हैं. मुझे तो एक बात दीपिका ये लगती है कि हम लोग असल में अकेले होते जा रहे हैं और तकनीक के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता जा रहा है, लेकिन अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ हमारा कनेक्शन कम हो रहा है, जिसको कहते हैं ना पुअर कनेक्शन. तो वो कनेक्शन पुअर हो गया है. अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं और आप बात करते हैं, मैं और विवेक जी रोज मिलते हैं, पहले हमारे जीवन में ये सब सामान्य था. हम और आप रोज मिलते थे, विवेक जी और हम रोज मिलते थे, आपस में हम अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ बैठते थे, बात करते थे. अब क्या हो गया, अब मैं एक फ़ोन करता हूँ विवेक जी को और विवेक जी कहते हैं मैं आज बिज़ी हूँ. मैं एक फ़ोन करता हूँ अपने किसी दूसरे दोस्त को, अपने भाई को जो किसी दूर शहर में रहता है, और मैं उससे इतना ही पूछता हूँ सब ठीक है, तुम ठीक से हो,
और इसके बाद में दूसरे काम में लग जाता हूँ। बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है कि एक एक परिवार में चार लोग तय करते हैं कि चलो बहुत दिन से साथ बैठे नहीं, साथ बैठते हैं, और चारों लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं, सब लोग अपने अपने फ़ोन पर आधे घंटे चैटिंग करते हुए खाना खाते हैं, और उसके बाद सब लोग उठते हैं और कहते हैं अच्छा रहा, हाँ आज काफ़ी दिन बाद मिले। मुझे हमेशा लगता है कहाँ मिले, बात कहाँ हुई। हम उस आभासी दुनिया से जुड़े हैं जो कहीं दूर है, और उससे हम रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन जो मेरे सामने है उससे मेरी बात नहीं हो रही। परिवार आपस में बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता अकेले पढ़ते जा रहे हैं। तो हम एक दुनिया ऐसी बना रहे हैं जहां हम सबको खुश दिखाना चाहते हैं, तो और हमारे सोशल मीडिया स्टेटस हमें लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम उन तरह तरह के फ़ोनों से अपनी तरह तरह की तस्वीरें खींचें, और अब तो ऐसे फ़ोन भी हमारे पास हैं जिनमें हमारी हम भले अंदर से ख़राब महसूस कर रहे हों लेकिन हमारी तस्वीर सुंदर आती है। तो हम एक दुनिया बना रहे हैं सुंदर चेहरों वाली दुनिया, लेकिन वो दुनिया अंदर से खोखली बन रही है। और जैसे जैसे प्रेम की कमी होगी, जैसे जैसे आत्मीयता की कमी होगी, और मैं इसको कहता हूँ जैसे जैसे स्नेह की कमी होगी, तो हम सब लोग रूखे बनेंगे, ड्राई बनेंगे, कठोर बनेंगे, और एक कठोर व्यक्ति कठोरता ही बांटेगा। विवेक, एक्चुअली सर आपने जो बहुत जो बेसिक जो डिफरेंस है, जो बेसिक इश्यू है, उसके बारे में बात करी, एंड आई थिंक इट कवर्स एवरीथिंग। बट आप आई मीन इफ आई से हम उम्र हैं काइंड ऑफ, एंड प्रॉब्ली वी फॉल इन दैट कैटेगरी, बिल्कुल, जहाँ पे हमने हमारे टाइम पे आत्महत्या या सुसाइड बहुत बड़ी बात थी, जी इतना कॉमन नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप तो बहुत सारी खबरें देखते हैं कि किसी बात की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी कई बार फैमिलीज़ ने एक साथ सुसाइड कर लिया, कई बार यू नो बच्चे ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ, अभी IITs में यू नो देर आर लॉट ऑफ बहुत सारे बिल्कुल स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी पेरेंटिंग में ना बहुत फ़र्क आ गया। ये एक बड़ा मुद्दा है विच आई थिंक हमें समझना चाहिए आज। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके जाता है, IIT जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है या IIM जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, वो मेंटली वीक नहीं है। बिल्कुल। ऐसा क्या हो जाता है उस बच्चे को कि सिर्फ मार्क्स लाने की वजह से, या ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस तरह का डिसीजन लेता है कि उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। पुअर कम्युनिकेशन, पुअर नेटवर्क, एस सर ने बताया, बिल्कुल, एंड इसी से एक्चुअली सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। आज गैप जो है बहुत बढ़ गया है फैमिलीज में, पेरेंट्स में, आज लोगों के दोस्त कम होते हैं, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। आज लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे समाज में कितने लोग जानते हैं, उनको ये फर्क पड़ता है मेरी फोटो पे कितने फॉलोइंग कितनी है, मेरी फॉलोइंग कितनी है, आपकी पहचान इससे हो गई। विवेक जी ने जो बात कही, मेरी कुछ समय पहले एक IIT के निदेशक से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि IIT में हर एक बच्चा टॉपर होता है अपने मोहल्ले का, बिल्कुल, राज्य का, हाँ, और प्रदेश का भी, बहुत सारे हम उदाहरण इसे देखते हैं। तो IIT की जो एक कक्षा है, हाँ, वो टॉपर्स की कक्षा है, बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि हम टीचर्स की, टीचर तो कहते हैं कि सब लोग अब टॉपर मिल गए तो वहाँ से एक हम एक सर्वोत्तम चीज़ बनाए, लेकिन जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को वो टॉपर वाला मोह नहीं छोड़ पाते। वो IIT में भी कहते हैं कि तुमने टॉप क्यों नहीं किया, उनके सेमेस्टर्स में वो लगातार कहते हैं कि तुम तो टॉपर थे। हो ये रहा है कि माता पिता जो सपने पूरे नहीं कर पाए तो वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉपर बने। अरे आपका जीवन अपने सपने पूरे करने के लिए, आपका जीवन अपने काम पूरे करने के लिए, बच्चे पर उसको आरोपित मत कीजिए। बिल्कुल। ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो इसलिए सुसाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दबाव का सामना नहीं कर या वो अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, हम उसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। असली बात यह है कि माता पिता का दबाव इतना ज़्यादा है, समाज का दबाव इतना ज़्यादा है कि हम एक असफल बच्चे से प्यार करना बंद कर दें। ये बात सुनने में बड़ी विचित्र लग सकती है, लेकिन समाज ने असफल भले ही बच्चा क्यों ना हो उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। एक माँ जब ये कहती है अपने दूसरे बच्चे से कि देखो उसके जैसे नंबर, बिल्कुल, देखो उसके जैसे बनो, वो बच्चा अपने घर में अकेला है। हम तारे जमीन पर देख के आते हैं, बिल्कुल, रो के आते हैं सिनेमा हॉल में, और बाहर निकलते से ही
अपने बच्चे से ठीक वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। बल्कि ये और कहते हैं कि देखो उस फिल्म में उस एक्टर ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी उस छोटे बच्चे ने। बिल्कुल, हम वहीं से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। विवेक आप कुछ कह रहे थे। जी मैं करना चाहूँगा इसमें कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ IIT और IIMs तक सीमित नहीं। जी मेडिकल कॉलेज और Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेजेस में भी ये सब हो रहा है। जी एंड सिर्फ एक्सपेक्टेशन इज वन बिगेस्ट थिंग एंड उसके अलावा जो है लाइक रैगिंग हो गया जैसे कंपैरिजन जैसा कि सर ने बताया ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लोग उस तरफ झुक जाते हैं। कंपैरिजन तो देखा जाए तो हमारा कल्चर रहा है। शर्मा जी का बेटा देखो, वर्मा जी की बेटी देखो, ये हमने कल्चर में ही इसे डेवलप किया है। बिल्कुल एक्चुअली अगर आप पुराण वगैरह की बात करेंगे तो सर यू वुड अग्री विद मी क्योंकि पहले जो कंपैरिजन होता था वो अपने आप का अपने से होता था। जी जी इवन एथलीट जो आज करते हैं ओलंपियंस जो आज करते हैं वो दे नेवर फॉलो विद समबडी एल्स दे नेवर अपना समय सुधारते हैं। एग्जैक्टली अगर यही चीज़ हम अपने जीवन में करना शुरू करते हैं तो बहुत बहुत फर्क पड़ेगा।